इलेक्ट्रिक कार की जब भी हम बात करते हैं तो सबसे पहले मन में ख्याल आता है रेंज का, और उसके तुरंत बाद दिमाग में आती है टॉप स्पीड, जो कि अक्सर लोगों को लगता है कि कम ही होगी। सच्चाई क्या है ये हम आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में। आप सभी लोगों का स्वागत है ऑटोनेस पर और मैं हूँ आपके साथ मनीषा। आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे तेज इलेक्ट्रिक गाड़ी के बारे में, जिसकी टॉप स्पीड सुनकर आप भी ये मानने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां धीरे नहीं चलती, बल्कि ये कुछ पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों से भी बहुत तेज चलती है। तो चलिए शुरू करते हैं दुनिया की सबसे तेज इलेक्ट्रिक कार रिमेक नेवेरा। चलिए तो सबसे पहले आपको इस इलेक्ट्रिक सुपर स्पोर्ट कार का नाम बता देते हैं, जो है रिमेक नेवेरा। अपनी इस कार को लेकर कंपनी का दावा है कि ये महज 2 सेकंड में 100 km/h की स्पीड पकड़ सकती है। वहीं अभी हाल ही में कंपनी ने अपनी इस कार का जर्मनी के एक टेस्ट ट्रैक पर स्पीड टेस्ट किया, जिसमें इस सुपर स्पोर्ट ईवी ने चौंकाने वाले आंकड़े हासिल किए। अगर आपको इसकी टॉप स्पीड के बारे में बताया तो ये 412 km/h दर्ज की गई है। और इसी के साथ कंपनी ने साबित कर दिया है कि रिमेक नेवेरा दुनिया की फास्टेस्ट इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन कार है। 4 पावरफुल इलेक्ट्रिक मोटर का दम। जैसा कि हमने बताया कि ये कार सिर्फ 2 सेकंड में 0 से 100 km/h की रफ्तार पकड़ सकती है, वहीं इसे 0 से 160 km/h की रफ्तार पकड़ने में महज 4.3 सेकंड का टाइम लगता है। बता दें कि इस कार में 4 पावरफुल इलेक्ट्रिक मोटर लगाई गई हैं, जो इसे 1914 BHP की दमदार पावर देते हैं। हालांकि कस्टमर्स को बेचे जाने वाले वर्जन में कंपनी इसकी टॉप स्पीड को 352 km/h तक ही सीमित रखा है। वहीं इसकी कीमत की अगर बात करें तो ये करीब 17 करोड़ रुपए है। सबसे तेज इंजन पावर्ड स्पोर्ट्स कार रिमेक नेवेरा भले ही दुनिया की सबसे तेज इलेक्ट्रिक कार हो, लेकिन रफ्तार के मामले में ये कन्वेंशनल स्पोर्ट्स कार से थोड़ी पीछे जरूर है। वहीं इंजन पावर्ड स्पोर्ट्स कार की अगर बात करें तो कोएनिगसेग अगीरा RS 447.8 km/h की टॉप स्पीड के साथ ऑफिशियली दुनिया की सबसे तेज कार है। हालांकि 2019 में बुगाटी शिरोन सुपर स्पोर्ट 300 प्लस ने 490.84 km/h की टॉप स्पीड दर्ज की थी, लेकिन इन आंकड़ों को ऑफिशियली शेयर नहीं किया गया था। वहीं 2020 में SSC टुअतारा की टॉप स्पीड 508.73 दर्ज की गई थी, लेकिन इसे सबसे तेज नहीं माना गया क्योंकि इस कार को पब्लिक रोड यूज के लिए नहीं बनाया गया था। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ऑटोनेस्ट को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।